साधना बहन आएगी अपना अनुभव सुनाएगी, जो कि तिनवारी से आई, तिनवारी से बांदा से कहीं बांदा से आई। तुमको भी हो गया 1500, कितने साल हो गए? 17 वर्षों से सेवा कर रही हूँ। ओम शांति। सेंटर पर योग करते हैं, लेकिन जो नियम बना है, सुबह मुरली के पहले योग किया और शाम को 6:30 से 7:30 कर लिया, बस इसके बाद दिन में कोई नहीं बैठते, टाइम निकालते योग के लिए। यहाँ पर विशेष जो बहनों, जो टीचर्स बहने हैं, उसके लिए विशेष जो योग की भट्टी रखी गई। सबसे पहले बाहर का सब भूल ही गए, यहाँ पर जो हम लोग बैठे, जैसे मधुबन में जाते हैं ना, तो वहाँ का सब भूल जाता है कि उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आके बैठे तो ऐसा मतलब लगा कि बाहर का मुरली कैसे चल रहा है, ये सब गया, कुछ याद ही नहीं है। बोला बाबा चला रहा है, कर रहा है, तो एक बार भी क्या है। और यहाँ पर मतलब सबसे पहले पूरे दिन का अनुभव, क्योंकि योग में बैठते हैं उसका तो अलग है, लेकिन यहाँ पर रह रहे, खा रहे, पी रहे, सेवा कर रहे, जो तो उसका हल्कापन लगा और बुद्धि से बिल्कुल हल्की रही, न्यारी रही बुद्धि और तरफ से। और जब बाहर से न्यारापन होता है तो यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो उसका भी अलग फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि परमात्मा द्वारा शक्ति भर रही है हमारे अंदर। थोड़ा सा कभी नींद भी आ रही, थोड़ा कभी जो है थकावट भी लग रही है, लेकिन फिर भी जो है सब बैठे और अलग अलग तरीके से कराया गया योग, तो उसमें भी अच्छा अनुभव हुआ और ताकत अंदर में जैसे भरी और कुछ करने की अंदर में क्षमता आई। क्योंकि जितना हम योग कर क्षमताएं आएंगी, ज्ञान सुनाना तो ठीक है, लेकिन योग से जितना योग होगा उतनी ही और चीजें अंदर में आएंगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, सेवा की क्षमता बढ़ेगी। तो जब यहाँ सुबह अमृत वेला उस दिन योग कराया हमने, तो वैसे तो बैठते ही अमृत वेला, लेकिन ऐसे ही कभी नींद आ रही है कभी ऐसे, लेकिन उस दिन का अलग अनुभव है कि पहले से कह दिया गया था कि आपको योग कराना है 3:30 से 4 बजे तक, तो पूरा रात से ही अटेंशन हो गया और 11 बजे सोए, लेकिन 11 से 3 बजे के बीच में 3 बार नींद खुली। और ये अंदर में था कि योग कराना है, कहीं सो ना जाए, कहीं सो ना जाए। और फिर लेकिन बाबा ने 3 बजे उठा दिया, बिल्कुल 3 बजे 3 बार जगे, लेकिन 3 बजे उठ के फिर जल्दी तैयार होके 3 बजे ही पहुंच गए क्लास में योग करने के लिए। सबसे पहले पहुंच गए हम, सब खिड़की वगैरह खोली, फिर जब गद्दी में बैठ के योग कराए तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ उस समय, और बिल्कुल नींद तो बिल्कुल नहीं आई। और ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे बाबा ही सामने से पूरी शक्ति भर रहा डायरेक्ट, वैसे गीत भी बज रहे थे अमृत वेला के, लेकिन उसी में ही बहुत अच्छा लगा। और बहुत ऐसा लग रहा था ऐसा अमृत वेला रोज हो तो कितना अच्छा, पावर भरे, अच्छा लगा सबके साथ। ओम शांति।